हेलो एवरीवन, मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर एकता। आज मैं आप सब के साथ डिस्कस करूँगी कि ग्रह दोष के लक्षण किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं और उसके बाद उसके ऊपर उपाय कर सकते हैं। इस बारे में अगर किसी कारणवश आपके पास आपकी जन्म लग्न कुंडली अवेलेबल ना हो और अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से कोई प्रॉब्लम हो रहा हो तो सिर्फ उन लक्षण के द्वारा भी आप ये पहचान सकते हैं कि आपको किस ग्रह से प्रॉब्लम हो रही है, कौन सा ग्रह दोष आपकी कुंडली में बना हुआ है और उसके हिसाब से आप उसके उपाय कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं सूर्य की। अगर आपको अकारण बहुत ज़्यादा बीमारियाँ रहती हो, बहुत ज़्यादा बुखार रहता हो, अगर आपको नेत्र संबंधी यानी आँखों से रिलेटेड अगर कुछ बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो, अगर आपको माइग्रेन या फिर बोन्स से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हो रहे हो, अगर आपको हार्ट डिसीजेस जैसे कुछ बड़े प्रॉब्लम्स हो, तो ऐसे में समझ जाइए कि आपकी कुंडली में सूर्य दोष है। सरकार के कर विभाग से परेशानी, नौकरी में बाधा और गवर्नमेंट रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो तो ये भी सूर्य दोष के काफी बड़े लक्षण माने गए हैं। अब बात करते हैं चंद्र दोष के लक्षणों की। पेट से जुड़ी हुई बीमारियां, जुकाम, लोनलीनेस, डिप्रेशन, मेंटल स्ट्रेस, वरीज, इंसोम्निया, मूड स्विंग्स, इमोशनल एंड साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स, ये सारे लक्षण चंद्रमा पीड़ित होने के दर्शाते हैं। आपके घर में असमय पशुओं के मृत्यु की आशंका बनी रहना या फिर शत्रुओं में बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी हो जाना या फिर धन की हानि होना, ये भी चंद्रमा दोष के लक्षण माने गए हैं। अब बात करते हैं मंगल दोष के लक्षणों की। घर में चोरी होने का डर सताते रहना, अकाल मृत्यु की आशंका, घर में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े बढ़ जाना, भाई के साथ अनबन और मैरिटल लाइफ में अगर बहुत ज़्यादा तनाव हो, तो ये सारे लक्षण मंगल दोष के माने जाते हैं। अब बात करते हैं बुध दोष के लक्षणों की। स्वभाव में बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ापन या फिर दिन ब दिन बढ़ता हुआ तनाव या फिर दांतों से संबंधित कुछ ना कुछ परेशानियां और बीमारियां, और अगर आपको बहुत ज़्यादा सिरदर्द की परेशानी हो, तो ये सारे लक्षण बुध दोष के माने गए हैं। जुए और सट्टे के कारण धन की बहुत बड़ी हानि होना भी बुध दोष का ही एक बड़ा लक्षण माना गया है। अब बात करते हैं गुरु दोष के लक्षणों की। चोरी का भय, सोने की यानी गोल्ड की हानि, मान सम्मान में कमी आना, आपके ऊपर झूठे या फिर चोरी के लांछन लगना यानी आरोप लगना और पिता के स्वास्थ्य में अगर बिगाड़ हो, तो ये सारी चीज़ें गुरु दोष के लक्षण माने गए हैं। उच्च शिक्षा में यानी हायर एजुकेशन में बाधाएं आना और पिता को हानि होना गुरु दोष के लक्षण माने गए हैं। अब बात करते हैं शुक्र दोष के लक्षणों की। बिना किसी वजह के यानी बिना किसी बीमारी के अगर आपको स्किन के प्रॉब्लम्स होते हैं या फिर थंब यानी अंगूठे से जुड़े हुए कुछ ना कुछ समस्याएं होती है, तो वो शुक्र दोष के लक्षण माने गए हैं। इसके अलावा प्रेम और दाम्पत्य जीवन में अगर बहुत ज़्यादा कलह रहता हो या फिर आपके लाइफ पार्टनर के हेल्थ से रिलेटेड अगर आप बहुत ज़्यादा वरिड हो यानी आपके लाइफ पार्टनर की हेल्थ बहुत ज़्यादा खराब रहती हो, तो ये सारे लक्षण शुक्र दोष के माने गए हैं। राजनीति के क्षेत्र में हानि होना और अपने लाइफ पार्टनर से अलगाव होना भी शुक्र दोष के बड़े लक्षण माने गए हैं। अब बात करते हैं शनि दोष के लक्षणों की। पैतृक संपत्ति से यानी पिता से दादा से मिलने वाली जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उससे होने वाली हानि, बीमारियों के कारण होने वाली परेशानी और कोर्ट कचहरी के मामलों में अगर बहुत ज़्यादा परेशानी हो, तो समझ जाइए कि आपको शनि दोष बना हुआ है। और कई बार बनते हुए काम जब बिगड़ने लगते हैं, तो ये भी शनि दोष का एक बड़ा लक्षण माना गया है। अब बात करते हैं राहु दोष के लक्षणों की। मोटापे के कारण होने वाली परेशानियां और बीमारियां, अचानक होने वाले एक्सीडेंट्स, घर में बार बार सबसे लड़ाई झगड़े होना और हर तरह के व्यापार में घाटा यानी नुकसान होना, ये सारी चीज़ें राहु दोष के लक्षण को दर्शाती है। अब बात करते हैं केतु दोष के लक्षणों की। बुरी संगत के कारण धन की हानि होना, जोड़ों में हमेशा दर्द रहना, स्वास्थ्य अगर गड़बड़ हो तो उस वजह से मानसिक परेशानियां और संतान का भाग्योदय ना होना, ये सारी चीज़ें केतु के लक्षण माने गए हैं।
मेरे इस वीडियो के जरिए अब आप लोग अपने ग्रह दोष के लक्षण पहचानकर उसके ऊपर उपाय कर सकते हैं। अगर मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब। एंड फॉर पेड कंसल्टेशन एंड पर्सनलाइज्ड रेमेडीज यू कैन ईमेल मी एट ekta.khotkar@gmail.com। मैं मेरा ईमेल आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और पिन कमेंट में मेंशन कर दूंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, बाय बाय।